तो मम्मी यहाँ पर तस्वीर पढ़ रही हैं। मम्मा क्या पढ़? तो अभी टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, 6 बजने 5 मिनट हैं आई गेस। एंड यहाँ पर मम्मी तस्वीर पढ़ रही हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये मेरा मायका व्लॉग का सेकंड पार्ट है। तो जितनी चीज़ें मुझसे कवर हो पाई हैं तो वो मैंने करी हैं, और बाकी की बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो इतना सब कुछ नहीं हो पा रहा था। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह करने में, एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि आप जानते हैं कि नॉइज़ वगैरह जो है आसपास की वो बहुत ज़्यादा आती है। तो देखिए, अभी रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा है और अफ्तारी हम लोगों ने पूरी यहाँ पर लगा ली हैगी, और सभी का रोज़ा है माशाल्लाह से, बच्चों का और हम सब बहनों का। तो यहाँ पर अफ्तारी जो है मतलब थोड़ी बहुत रेडीमेड भी है और घर की बनी हुई भी है। तो चलिए रोज़ा खोलते हैं। और देखिए, ये मेहंदी मैंने अपनी सिस्टर से लगवाई अपने पैरों पर, क्योंकि खुद से मेहंदी जो है पैरों पर अच्छे से लग नहीं पाती। तो मैं यहाँ आई थी तो मेरा मन कर रहा था तो उसने मुझे लगा दी। मेरा बहुत दिल कर रहा था बहुत दिनों से कि पैरों में मेहंदी लगाऊं, तो अभी मैंने इसको लगा ली। थोड़ी सी सूख गई है, मैं पंखे में बैठ गई थी न्यूज़पेपर रख के, अब ये सूख गई, वरना ये टाइल्स में मतलब पूरे ख़राब हो जाते। तो ये रख जाएगी, तो इसका मैं कलर दिखाऊंगी आपको दूसरे दिन कि कैसा चढ़ा। बुशरा क्या कर रही हूँ? बाय। और फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन वहाँ पर रुककर अपने घर यहाँ पर वापस आ गई थी, और हम लोगों को बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। ऐसा लग रहा था कि थोड़े दिन और रुक जाएं, बट ऐसा नहीं हो पाता है, अपना घर भी देखना पड़ता है। तो फिर हमें यहाँ वापस आ गई थी और ये लगेज मैंने निकाल लिया है। और अभी देखिए 11 बज रहा है और मैंने देखा कि प्लांट्स मुरझा रहे हैं, तो फिर मैंने अभी रात में ही यहाँ आते साथ पहले उनको पानी दूंगी। वैसे तो मैं अपनी मेट से बोल के गई थी कि पानी डाल देना, लेकिन शायद आज वो आई नहीं, तो फिर मैंने आते साथ सबसे पहले प्लांट्स में पानी डाला। और देखिए, यहाँ पर दूसरा दिन हो गया था और मैं जब चली गई थी तो उसके बाद जो है आंधी आई थी, तो घर बहुत डस्ट हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती मतलब कैसा हो रहा था। तो बहुत देर लगी, मैंने साफ़ कर लिया देखिए, और ये बुशर्ट टीवी देख रही है। फिर मैंने देखिए पूरा घर साफ़ करा बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, 2-3 बार पोंछा लगाना पड़ा पूरे घर का, और टाइल्स वगैरह भी बहुत सफाई करी, तो फिर जाके आज अब साफ़ हो पाया है। और मुझे 2 बज गया था मतलब घर का पोंछा वगैरह करने में आज। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी का कलर कुछ ऐसा चढ़ा है, बहुत डार्क लग रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, देखिए आप। 2 hours later ठंडा बनाया ना वही है माला, मैंगो वाला। हाँ आशी ने बनाया। हमको पता ठंड गर्मी में आती है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है और हम लोगों ने अफ्तारी लगा ली है। रोज़ा खोलने बस 1-2 मिनट बचे हैं और हम लोग जो है वो दुआ मांग रहे हैं। अजान हो रही, रोज़ा खोल लो बुशरा। ये है रोज़ा खुलने के बाद वाली चाय, इसको पी के बहुत सुकून मिलता है रोज़े के बाद। और फिर देखिए, ये डिनर में मेरे हस्बैंड जी का मन कर रहा था आलू के पराठे का, तो मैंने सिर्फ ये उन्हीं के लिए बनाए, और हमने तो बिरयानी खा ली थी अफ्तारी में जो आई थी।
क्योंकि ज़्यादा थी तो वही खा ली थी, पर इन्होंने बोला कि आज नहीं मन कर रहा बिरयानी का, तो फिर मैंने यहाँ पर ही आलू के पराठे बनाए, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए हैं बस 3। और फिर मैंने देर रात तक तिलावत करी और अभी बज रहा है 2:30, तो फिर मैंने सोचा कि सहरी के लिए सामान निकाल देती हूँ, फिर तहज्जुद पढ़ूंगी, फिर सहरी करूँगी। यहाँ पर मैं तस्वीर पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है तो आराम से और भी पढ़ सकती हूँ। तो मैं पढ़ूँगी या वदूदों की तस्वीर, सुबहान अल्लाह की तस्वीर, माशाल्लाह, अल्लाह हू अकबर, और जितनी भी छोटी छोटी आयतें हैं उन सब की, सुबहान अल्लाह बबे हमदेही, सुबहान अल्लाह लजीम, ये बहुत अच्छी होती है। इसकी तस्वीर मैं बहुत पढ़ती हूँ, 300, 400, 500। और फिर कल मैं पढ़ूँगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी तस्वीर पढ़ूंगी कम से कम 5, यानी 500 कल मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे या रज़ाको, या रहमानो, या रहीमो। और एक तस्वीर पढ़ूंगी मैं सूरह अल कद्र की। सूरह अल कद्र अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट से, गूगल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और आयत पढ़ती हूँ वाली रब्बना आते हैं ना फिर दुनिया वाली, और भी बहुत सारी हैं वो भी पढ़ती हूँ जो स्पेशली हैं लैलतुल कद्र के लिए। तीसरा कलमा भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, तीसरा कलमा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और दरू शरीफ पढ़ूँगी, दरूद इब्राहिम ही पढ़ूँगी, और जितनी भी छोटी छोटी आयतें हैं जो भी आपको याद हैं आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। और अभी तो मैं इसमें पढ़ रही हूँ, ये वॉइस रिकॉर्ड मैंने बाद में करी है ताकि मैं आपको भी बता सकूँ कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। और हाँ, अस्तगफार, अस्तगफार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, मैं भी बहुत पढ़ती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, 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 और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैही, इसकी तस्वीर मैं बहुत पढ़ती हूँ, मतलब डेली की 500। अभी मतलब रमज़ान चल रहे हैं तो 500, 600 ऐसे, वैसे वरना 100, 200 तो पढ़ ही लेती हूँ। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैही ये आप भी बहुत पढ़िए, ये बहुत अच्छा रहता है। और ईद आने वाली है फ्रेंड्स, तो ईद के लिए मैं आपको स्पेशली बोलूँगी कि सुबहान अल्लाह बबंदी, सुबहान अल्लाह लजीम 300 बार ज़रूर पढ़ें, और अपने बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों को पढ़ के उसको बख्शें, वो बहुत ही अच्छा होता है। और हर साल मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ, ख़ास तौर पर ईद वाले दिन 313 बार। तो आप भी पढ़िए और अपने बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों को जो गुजरे हुए मुसलमान हैं ख़ानदान के, और पूरे जिल कुल मोमिन और मोमिनात को बख्शिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो इंसान के वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं या बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जा चुके हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ सिवाय इसके कि उनको हम कुछ पढ़ के बख्शें और उसका सवाब पहुँचाएँ। तो ईद वाले दिन ख़ास तौर पर ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए, हम लोग अपने लिए तो नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सेवई बनाते हैं, दही बड़े खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के यहाँ बनती हैं, तो फिर अपने बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग के लिए ख़ास स्पेशली क्या करते हैं। तो ईद वाले दिन ऐसा करना चाहिए, ये एक तरीका का अच्छा सा अमल है, इससे वो आपको दुआएं देंगे। और आप सोचिए, अगर आपने पूरे जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको अगर पढ़ के बख्शा, तो कितने लाखों करोड़ों लोग जा चुके हैं, तो वो सब आपके लिए दुआ करेंगे और खुश होंगे कि हाँ, हमारे घर वालों ने हमारे लिए कुछ पढ़ के बख्शा और ईद वाले दिन हमें याद करा। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा करना हम सबका फ़र्ज़ है, मैं ज़रूर करती हूँ, और इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। वैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता हो, पर जिनको नहीं पता हो उनके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सहरी का टाइम हो गया है और मैंने अपनी प्रिपरेशन भी कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट रूम में सहरी करने के लिए। तो चाय भी मैंने बना ली, रोटी भी बना ली, और अब लूँगी मैं थोड़ा सा नमकीन, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा अजीब सा लगता है खाते पीते वक्त, तो थोड़ा सा मुँह अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं ये नमकीन ज़रूर लेती हूँ मोस्टली। थोड़ा सा चटपटा है ये इसलिए भी। तो चलिए आप भी मेरे साथ बिस्मिल्लाह करिए और सैरी करिए फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक बिल्कुल करिएगा और शेयर भी करा करिए अपने फ्रेंडों से। चाहे भले ही आप एक से करें, दो से करें, पर शेयर ज़रूर करिए मेरा ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।